अभी तो मुलाकातों का जिक्र किया है, अगर टेलीफोन डाटा आउट कर दिया तो कयामत आ जाएगी। कोई एक सियासतदान बताएं जो GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं। आप मुलाकात करते हैं, मैं बाहर इंतजार कर रहा होता हूं। शेख रशीद ने नए इंकशाफात करते हुए खुद को पाक फौज का तर्जुमान भी करार दे दिया। बोले नवाज शरीफ को इक्तदार से बाहर करने वाली मरियम नवाज हैं। वो अब फिर नवाज शरीफ को मरवाएंगी। धरना होगा ना इस्तीफे, ये सेनेट इलेक्शन से पहले इमरान खान से झगड़ा चाहते हैं। बहुत जल्द मुल्क लूटने वाले चोर, डाकू और लुटेरे जेलों में होंगे। नवाज शरीफ की तकरीर जंदाल, मोदी और रॉ की तकरीर करार दे दी। कोई सियासतदान इस पाकिस्तान का बताए जो GHQ के गेट की 4 की पैदावार नहीं है। मैं तो चाहूं तो मैं मुशर्रफ का खाता भी सारा आउट कर सकता हूं। नवाज शरीफ को इक्तदार से निकालने वाली मरियम है। नवाज शरीफ ने तकरीर की है, वो जंदाल की तकरीर है, वो मोदी की तकरीर है, वो रॉ की तकरीर है। जब पाकिस्तान में होते हैं तो जिया लग के जूतों में जवान होते हैं। मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तान फौज का तर्जमान हूँ, कोई रॉ का एजेंट नहीं हूँ। ये तुम हो जो दाता दरबार नहीं जाते, गोल्डन टेम्पल चले जाते हो। ये चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान के साथ ये झगड़ा करें। ना ये इस्तीफा देंगे, ना ये धरना देंगे और ना ही अदम एतमाद करेंगे। ये मैंने भी जनवरी फरवरी की डेट, मैंने तो 30 दिसंबर जनवरी की डेट दी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे दिन हैं, ताकतवर अल्लाह है। दोनों के दरमियान से इमरान खान ने विकेट निकाला।